आज तीर्थ यात्राओं का सीजन है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और ये भवानी की छड़ी यात्रा यहाँ से गई है, वहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं। मचेल की माता की यात्रा शुरू हो रही है, माता वैष्णो देवी पे असंख्य असंख्य श्रद्धालु आ रहे हैं, शिव खोड़ी में श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे समय पर तीर्थ यात्रियों की बसों को टारगेट करके और तीर्थ यात्रियों को शहीद कर देना, या अभी मैं मेला गांव में गया था जहां 3-4 दिन पहले हमारे एक साथी केमिस्ट का काम करते थे, उनको घात लगा करके वहां आतंकवादियों द्वारा मारा गया और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अच्छा काम किया है, 2 दिन के बाद वहां 2 पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादी जो है वो मार गिराए हैं। लेकिन सबसे विचारणीय क्या है, एक बात, क्योंकि समाज सोया रहेगा, समाज जागेगा कब, और जो कर्नल सुखबीर ने अभी कहा है कि किस संख्या में कैसे इन सब विषयों को लेकर के उसका विरोध करने के लिए, उस पर अपना गम जाहिर करने के लिए क्या हमें इकट्ठा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुझे जवाब दें आप, क्या हमें इकट्ठा होना चाहिए, क्या इस संख्या में इकट्ठा होना है कि पूरे समाज को इकट्ठा होना है। और एक चीज और जो हमेशा इन आतंकवादी घटनाओं के साथ आती है कि हिंदू तो कभी आतंकवादी नहीं है, हमेशा हम ये कहकर के पीछा नहीं छोड़ा सकते कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं, उनके ग्राउंड सपोर्टर OGWs यहाँ पर हैं, तभी तो वो पाकिस्तान वाले आकर के यहाँ पर इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। यहाँ पर कौन है जो चिटे की तस्करी कर रहे हैं, यहाँ पर कौन है जो रेत बजरी की तस्करी कर रहे हैं और हमारे एनवायरमेंट के साथ खेल रहे हैं, जंगल के जंगल काट रहे हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं है? ये कई तरह का आतंकवाद यहाँ चल रहा है। कौन लोग हैं जो लोगों की जमीनों पर, फॉरेस्ट की जमीनों पर कब्जे करके और समाज को खराब कर रहे हैं, एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं? आज समय आ गया है कि हमें खुल करके बोलना है, हम केवल भाईचारा भाईचारा नहीं और ना ही किसी का चारा बनने वाले हैं, ये समाज को भी सोचना होगा और सरकार को भी सोचना होगा। डाउन प्ले करके हिंदुओं की भावनाओं को, राष्ट्रवादियों की भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता। हम सहिष्णु जरूर हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर रिटेलिएशन पे आ गए तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत खराब हो सकता है, और वो केवल मात्र जम्मू में नहीं होगा। अगर यहाँ से किसी हमारे तीर्थयात्री की लाश हाफड़े से यूपी जाएगी तो जवाब वहां भी मिलेगा, किसी तीर्थयात्री की या हमारे सैनिक की लाश अगर नागपुर जाएगी तो जवाब वहां से भी मिलेगा। ऐसा सब आतंकवाद प्रस्तावकों को सोच लेना चाहिए, और जब तक ऐसा अगर ये भावना हमारी सरकार के सामने प्रकट नहीं होती, अगर इस भावना का उन आतंकवाद प्रस्तावकों को पता नहीं लगता, तब तक मैं ये समझूंगा कि आतंकवादियों को शह मिलती रहेगी, पनाह मिलती रहेगी और हम इसी बात पे खुश होते रहेंगे कि हमारे कम लिखा, डाउन प्ले किया, हमने सौहार्द का परिचय दिया। कितना सौहार्द का परिचय देना है हमने? हम 30-30 तीर्थयात्रियों को मरवाते रहेंगे और उसके बाद हमेशा सौहार्द का परिचय दे रहे हैं? ये जम्मू के लोगों को सोचना होगा। जम्मू के लोगों को अपनी ताकत जो 2008 में उन्होंने दिखाई थी उसको दोबारा से उसका स्मरण करना होगा। अपनी ताकत को पहचानिए, उसको दोबारा से उजागर कीजिए, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो जाइए। केवल मोमबत्तियां जलाने से काम नहीं चलेगा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ताकत सबको नजर आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।